हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारोटन दिस ऑल इन वन। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीए के बारे में, जो ओपन होगा 13 सितंबर 2023 को। कंपनी का नाम है आरआर केबल लिमिटेड। तो आज हम इस कंपनी का टोटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई। आरआर केबल लिमिटेड आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता विद्युत उत्पाद प्रदान करता है। आरआर केबल के दो व्यापक खंड है, तार और केबल, जिनमें घरेलू तार, औद्योगिक तार, बिजली केबल और विशेष केबल शामिल है। पंखे, लाइटिंग, स्विच और उपकरण सहित FMEG। कंपनी आरआर केबल ब्रांड के तहत तारों और केबल उत्पादों और ल्यूमिनस पंखे और लाइट्स ब्रांड के तहत पंखों और लाइटों का निर्माण, विपणन और बिक्री करती है। 2020 में आरआर केबल ने एरोस्ट्रॉम लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया और कार्यालय, औद्योगिक और गोदाम स्थानों को कवर करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए इसके ट्रेडमार्क और डिजाइन प्रमाण पत्रों के साथ प्रकाश उत्सर्जक डायोड रोशनी और संबंधी हार्डवेयर व्यवसाय को प्राप्त किया। 2022 में कंपनी ने ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को होम इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस का अधिग्रहण किया और एक के साथ अधिकतम 4 साल की अवधि के लिए पंखे और हल्के उत्पादकों के लिए ल्यूमिनस पंखे और लाइट ब्रांड का उपयोग करने के लिए एक सीमित और विशेष लाइसेंस प्राप्त किया। 3 महीने की अवधि के लिए लाइसेंस को और नवीनीकरण का समय विकल्प, जिनमें हमारे FMEG पोर्टफोलियो मजबूत करने के लिए 61 पंजीकृत ट्रेडमार्क और रोशनी और प्रीमियम प्रशंसकों के पोर्टफोलियो का उपयोग करने का अधिकार शामिल है। कंपनी की 2 विनिर्माण इकाइयां वागोड़िया गुजरात और सिलवासा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव में स्थित है, जो मुख्य रूप से तार और केबल और स्विच का विनिर्माण कार्य करती है। इसके अलावा यह 3 एकीकृत विनिर्माण सुविधाओं का मालिक है और उनका संचालन करता है, जो रुड़की उत्तराखंड में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक और गगरेट हिमाचल प्रदेश में, जो FMEG उत्पादकों का संबंध विनिर्माण कार्य करता है। आरआर केबल के ग्राहक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों से आते हैं। 30 जून 2023 को समाप्त पिछले 3 महीनों में परिचालन से इसका 71% राजस्व तारों और केबल के खंड से आया है और इसके संचालन से 97% राजस्व FMEG सेगमेंट्स में B2B चैनल से आया है। कंपनी के प्रमोटर के बारे में बात करें तो त्रिभुवन प्रसाद रामेश्वरलाल काबरा, श्री गोपाल रामेश्वरलाल काबरा, श्री महेंद्र कुमार रामेश्वरलाल काबरा, कीर्ति देवी श्री गोपाल काबरा, त्रिभुवन प्रसाद काबरा HUF, काबरा श्री गोपाल रामेश्वरलाल HUF और महेंद्र कुमार काबरा HUF कंपनी के प्रमोटर है। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े करोड़ों में दिए गए हैं। साल 31 मार्च 2020 में कंपनी को 122.40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2021 में कंपनी को 135.40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2022 में कंपनी को 213.94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2023 में कंपनी को 189.87 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू साल दर साल हमें बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्क में हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के पास सरप्लस कैश 2023 में 914.15 करोड़ की है और कंपनी की बोरोइंग 515.84 करोड़ की है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल है। कंपनी के इश्यू लाने के उद्देश्य के बारे में बात करें तो कंपनी द्वारा बैंकों से वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कुछ उधारों का पूर्ण, आंशिक या पुनः भुगतान या पूर्व भुगतान में करेगी और कंपनी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में करेगी। आरआर केबल आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 13 सितंबर 2023 को और आईपीओ क्लोज होगा 15 सितंबर को। शेयर की फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। आईपीओ की प्राइस 983 से ₹1,035 पर शेयर रखी गई है। हमें कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है, यानी कि ₹1,035 पर। लॉट साइज 14 शेयर की है। इशू की साइज 1,964.01 करोड़ की है। फ्रेश इशू 180 करोड़ के शेयर है। ऑफर फॉर सेल 1,784.01 करोड़ के शेयर हो गए। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट ₹98 पर शेयर है। इशू टाइप ऑफ बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाली है। आरआर केबल आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करें तो QAB के लिए 50%, HNI के लिए 15% और रिटेल के लिए 35% के शेयर रिजर्व रखे गए। आरआर केबल आईपीओ की टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 13 सितंबर 2023 को और आईपीओ क्लोज होगा 15 सितंबर को। आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 21 सितंबर को। पैसे कटने और रिफंड की प्रोसेसिंग होगी 22 सितंबर को। आईपीओ मिला होगा उसे शेयर उसके डिबेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 25 सितंबर को। आईपीओ की लिस्टिंग 26 सितंबर को होने वाली है। आरआर केबल आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में मिनिमम 1 लॉट में 14 शेयर है, उसकी अमाउंट है ₹14,490। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट में 182 शेयर है, उसकी अमाउंट है ₹1,88,370। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट में 196 शेयर है, उसकी अमाउंट है ₹2,02,860। स्मॉल HNI मैक्सिमम 69 लॉट में 966 शेयर है, उसकी अमाउंट है ₹9,99,810। बिग HNI मिनिमम 70 लॉट में 980 शेयर है, उसकी अमाउंट है ₹10,14,300। आरआर केबल आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू की शेयर होल्डिंग 66.42% की है, जो लिस्टिंग होने के बाद पोस्ट इश्यू की शेयर होल्डिंग 62.77% की रह जाएगी।
कंपनी का रजिस्टर है लिंकिंग टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के लीड मैनेजर के बारे में बात करें तो एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड। तो गाइज अब हम जान लेते हैं कंपनी की पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन के बारे में। तो गाइज RR केबल जैसी कई सारी कंपनियां पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है, उनमें हेवल्स, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, AEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वर्ष 2022-23 की आमदनी के अनुसार RR केबल सभी कंपनी के मुकाबले एक छोटी कंपनी है, मगर फिनोलेक्स केबल से बड़ी कंपनी है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 61.57 का है, जो KEI और फिनोलेक्स से महंगा है, पॉलीकैब के बराबर बराबर का है और हेवल से सस्ता है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्क 13.66% का है, जो ठीक ठाक है। ओवरऑल बात करें तो इसकी वैल्यूएशन थोड़ी महंगी लगाई गई है, यहाँ पर हमारे लिए कोई भी लिस्टिंग गैप छोड़ा गया नहीं है। अब हम जान लेते हैं RR केबल के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 163 रुपए पर शेयर चल रहा है, यानी कि एक लॉट पर 163 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 2282 रुपए का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। परसेंटेज में बात करें तो 15.75% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस क्या आपको इस IPO में निवेश करना चाहिए? तो गाइस इस IPO में आपको छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और लंबे समय के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें मन बना सकते हो। कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है और इसके वित्तीय नतीजे भी अच्छे हैं। लंबे समय में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देने में सक्षम दिखती है। कंपनी की ग्रे मार्केट में भी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलने वाली है। इस IPO की खराब बात यह है कि हमारे लिए कोई भी लिस्टिंग गैप छोड़ा गया नहीं है और इसकी वैल्यूएशन भी महंगी लगाई गई है और इश्यू की साइज भी बड़ा है और कई सारी कंपनियां अपना इश्यू लेकर आ रही है, इसलिए लिस्टिंग के वक्त थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, इसलिए हमें इसमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो गाइस आपकी इस IPO के बारे में क्या राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के हिसाब से बनाया है। IPO में अप्लाई करने से पहले आपके ब्रोकर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह जरूर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।